गए समय ना दिसंबर 12 तारीख के दिन मॉर्निंग टाइम में थोड़े हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग यहाँ पर घर तक आकर मेरे ऊपर मारना पीटना और तोड़म फोड़ी करना ऐसा थोड़ा सा काम करे सो है। इसलिए मैंने मेरे को एक 7 स्टिच गिरे सो है सर पे, इसलिए मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर मेरे को एम्बुलेंस के थ्रू जाकर मैंने वहाँ पर एडमिट हो गई। तो ग्रामीण स्टेशन में केस पहले नहीं लिए, तो एक 2 दिन जाने के बाद में फिर उन्होंने मुझे बोला कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के ज़रिए से उन्होंने ये कर रहे थे कि तुम्हें आना ज़रूरी है, तुम्हें केस करना का होता ये नहीं है, तुम्हें आना आको यहाँ पर बात करो पहला, बाद में केस करो, ऐसा मुझे बात करे। तो मैंने बोली नहीं, मुझे घर तक आको मुझे मारना ये गलत है, कल के दिन मेरा जान भी मार सकती है लोग, मुझे जान मारने के लिए लोग ट्राई करे सो है, कल के दिन मुझे हम लोग मारेंगे बोल को मैं ग्रामीण वाले को बोलने के बावजूद हूँ। उन्होंने क्या बोले, अगर आप नहीं आएंगे तो हमें आपका भी आपके ऊपर भी काउंटर केस करेंगे, मतलब एक दबाव ला को मेरे ऊपर एक झूठ FIR कर दे। तो मैंने बोले ठीक है आप कर लो कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए हम इंक्वायरी करो, पहला इंक्वायरी टीम को डालो इंक्वायरी करो बोल को मैंने बोली। बोलने के बाद में जो हमारे समुदाय के लोग हैं जो मेरे को घर तक आकर मारने के बाद में उनको कौन सा भी रीज़न नहीं मिला, जो रीज़न नहीं मिलने के वजह से उन्होंने क्या करे, जब भी हमें NGO में काम जो कम्युनिटी बेस्ड सर्विस में जो काम करते ना, तो वो NGO के थ्रू जाकर उन्होंने क्या किए, इन्होंने NGO में काम करते इसको यहीं पर ब्लेम करना बोल को, उन्हें NGO के थ्रू जाकर इन्होंने पैसे खाए लाखों करोड़ों से खाए बोल को, उन्होंने मेरे पे इल्ज़ाम लगाए। जो हमारी कम्युनिटी है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी वो हमारे है, भले उन्होंने हमारे को 4 बोलेंदे मारेंदे, मैं उनको 4 बोलेंदे वो बात सेकेंडरी है। जब भी ये बात जब एड़संगी साहब के पास जब ये बात गई, जब एड़संगी साहब का काम क्या था, जो हमको भी बुला को दो बात करना था कि ये बात कितना सही है और कितना झूठ है, तो उन्होंने ये काम नहीं किए और उन्होंने बिना प्रूफ के हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए सो है। जब भी आप उन्होंने आपको बोले तो अच्छी बात है, आपको सुनना आपका काम है, बोलना भी आपका काम होगा तो आप बोले रहेंगे, वो बात को मैं नहीं बोल को उनको नहीं बोल सकती, लेकिन आप जो भी बोले आपके पास कौन सा एविडेंस था बोल को हमारे ऊपर आपने इल्ज़ाम लगाए, भ्रष्टाचार रो भ्रष्टाचार रो भ्रष्टाचार रो बोल को इल्ज़ाम लगाए। आप बड़ी आसानी से जाकर बोल दिए, बड़ी रैली निकाल को बोल दिए, आपके पास क्या प्रूफ है हमको साबित करो। और इसीलिए और एक बात क्या बोले, तो जब भी FIR हुआ सो मिनिमम 1 महीना होने आ रहा अभी 12 तारीख से, अभी तक उनको कस्टडी में नहीं लिया गया सो है, डिपार्टमेंट वालों को बोलते मैं अभी तक कस्टडी में नहीं लिया गया सो है। मैं कमिश्नर साहब को जाकर मीट हुई तो कमिश्नर साहब और ACP साहब ने मेरे बोले कि आपको हमें गार्ड देंगे माँ सिक्योरिटी देंगे, आप टेंशन न को ले दे, इस बात को मैं साहब को बहुत 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 धन्यवाद बोलती मैं हाथ जोड़ को। फिर भी ये सब करने के बावजूद भी मेरा जान को धोखा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, जो वातावरण देखो बाहर का जो वेदर देखो मुझे लगता है कि ये लोग कुछ तो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, मुझे ऐसा डर है। और एक बात, उनको जो कस्टडी में ना लेने के वजह से अब वो लोग क्या कर रहे हैं, सो मोबाइल यूज़ करके फ़ोन यूज़ करके दूसरे दूसरे ग्रुप में वॉइस रिकॉर्ड का जोर कर रहे हैं, और जो भी बाहर से दो लोगों को एक तरह से एक वातावरण क्रिएट करना बोल को उन्होंने सोच रहे, झगड़ा क्रिएट करना ऐसा क्रिएट करना बोल को उन्होंने सोच रहे। इसलिए मुझे बहुत अशांति है, मुझे साहब ने सिक्योरिटी दी है लेकिन मैं रात में मैं चैन भर को मैं सो नहीं सक रही। और जो ये जो हमारे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा है सो है और ये झूठ है, और हमें बहुत हिसाब किताब से हमें काम करे सो है, हमें सच्चाई के साथ देने के लिए हमें काम करे सो है, हमें किसी को बिगाड़ने के लिए हमें नहीं गए समस्या में NGO में काम नहीं करे, हमको हमारे समुदाय को सुधारना है इसलिए हमने काम करे।